भागलपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को मुंबई में कल देर रात दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इसको लेकर बिहार में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। भागलपुर में भाजपा ने बूढ़ानाथ मंदिर में बाबा बूढ़ानाथ का जलाभिषेक कर शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई भाजपा नेताओं ने उनके लिए प्रार्थना की। जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि वो जनप्रिय नेता है। कल अचानक उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहनवाज हुसैन के साथ रहने वाले भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह ने बताया कि उनकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन वो आईसीयू में है। उनके लिए हर कोई दुआ और प्रार्थना कर रहा है। भागलपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री, वर्तमान विधान परिषद और हम सबों के दिलों में राज करने वाले ऐसे सैयद शाहनवाज हुसैन जी कल मुंबई प्रवास पर थे और कल अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, उसी क्रम में वो जा रहे थे। रास्ते में ही सीने में दर्द की शिकायत हुई और सुखद संयोग है कि मुंबई पहुंचने पर यह उनको परेशानी आई और तत्क्षण जो है लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जैसे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई, कल ही उनका जो है उपचार भी किया गया और स्टेंट लगाया गया है और कल से ही जैसे सूचना मिली है पूरे भागलपुर बिहार और देश के अंदर दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर चल पड़ा है। कल भी और आज भी बाबा बृहदेश्वर नाथ इस महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से रखा गया और सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हमारे जनप्रिय नेता बिहार के औद्योगिक क्रांति के नायक शाहनवाज हुसैन जी को हार्ट अटैक आया था, इससे पूरे भागलपुर में कार्यकर्ताओं में शोक की लहर थी, सभी लोग दुखी थे। आज हम लोग पूरे भागलपुर जिला समेत पूरे बिहार में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक कहीं पर इबादत की जा रही है, सभी कार्यकर्ता मंदिर मस्जिद सभी जगह उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र वह स्वस्थ हो और हम लोगों के बीच आए। कैसी है अभी उनकी स्थिति में सुधार है, वो पहले से कुछ ठीक चल रहे हैं।